नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, अखिल भारतीय स्तर के, बल्कि मैं कहूं कि विश्व स्तरीय अस्पताल शाल्बी इंटरनेशनल के CMD डॉक्टर विक्रम शाह, जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। इंग्लैंड और अमेरिका में अपनी सेवाओं देने के बाद बहुत छोटे से 6 बिस्तरों के अस्पताल से उन्होंने अपना करियर भारत में शुरू किया और आज आलम यह है कि गुजरात, गोवा, जबलपुर, वापी सहित 7 जगह पर उनके बड़े अस्पताल चल रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा बिस्तरों के अस्पताल हैं। रोज 20 से 22 जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरियां होती हैं, लगभग महीने में 600 सर्जरी करते हैं और डॉक्टर शाह खुद अब तक 58,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर शाह, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर शाह, जैसा कि मैंने कहा अपने दर्शकों से कि आपने 89 में अपना MBBS करने के बाद आप इंग्लैंड चले गए, फिर आपने अमेरिका में भी काम किया और इंग्लैंड अमेरिका में बहुत पैसा है डॉक्टरी की फील्ड में, बहुत नाम है और भारत के कई डॉक्टर वहाँ बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, नामा भी कमा रहे हैं। क्या कारण रहा कि वापस आप अपनी जड़ों की तरफ लौटा है? बहुत सही बताया आपने। मुझे इंग्लैंड में भी बहुत बड़ा चांस था रहने का, USA में भी मुझे पार्टनरशिप ऑफर हुई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मतलब मैं पैसे के लिए तो पहले से काम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी काम मैं पैसे के लिए नहीं गया था, मैं सीखने के लिए गया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि टेक्नोलॉजी वाइज हिंदुस्तान अभी भी थोड़ा बहुत पीछे है, तो जाके सीख ले तो अपने लोगों के लिए अच्छी तरह काम कर सके। वो पार्टनरशिप को ना बोल के मैं जब आया तब मेरे घर में काफ़ी लोग मेरे से नाराज थे कि आप अच्छा भला करियर छोड़ के आ गए आप, और क्या रखा है? और आपने 6 बिस्तरों के अस्पताल से शुरू किया और आज 300 करोड़ का टर्नओवर आपके अस्पताल का है, तो ये जिसको हम कहते हैं कि फर्श से अर्श तक, जमीन से आसमान तक का सफर आपने कैसे तय किया? तो सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है हमेशा मेरे साथ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया मुझे ऐसा लगा कि भाई पेशेंट को तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने किया, पेशेंट सही हो गया। तो ईश्वर की हमेशा मेरे पे कृपा रही है, वो मैं बात सबको बताना चाहूँगा। दूसरा बात ये बताऊँगा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने जब 6 बिस्तर की हॉस्पिटल चालू की तो मेरे घर में AC नहीं था, मेरे घर में AC नहीं था, 4 नेतर की कुर्सी थी और वी वेयर स्टेइंग लाइक ए लोअर मिडिल क्लास। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि कुछ करना है और अच्छा करना है और अच्छी तरह काम करना है। और हर आदमी, मैंने देखा है कि अपने देश में सबसे पहले अपना अच्छा घर बनाता है, फिर अच्छी गाड़ी लेता है। मैंने पहले अच्छी हॉस्पिटल बनाई, मैं किराए के घर में रहने गया। आपको एक जुनून था कि मुझे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है, बिल्कुल, और वो जुनून के तहत आपने अपनी जो निजी इच्छा है, निजी सुख है, वो आपने सेकेंडरी रखा और एक अच्छा अस्पताल देना है मुझे लोगों को। डॉक्टर साहब, मैं आप अच्छे अस्पताल पे बहुत जोर दे रहे हैं और कहा जाता है कि शाल्बी जो आपका अस्पताल है वो वर्ल्ड क्लास अस्पताल है और आप दावा भी करते हैं वर्ल्ड क्लास अस्पताल का है, तो इंदौर क्या सोचकर आप आए? आप गुजरात में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुजरात में तो बहुत सारी जगह पर आपके अस्पताल हैं, गोवा में आपका अस्पताल है, तो हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जाने कहाँ कहाँ और डेस्टिनेशन हो सकते थे, वहाँ इंदौर? इंदौर से मेरा एक लगाव रहा है। मैं 2000 की साल में भी यहाँ ऑपरेशन करने आता था एक हॉस्पिटल में, मैं खुद गाड़ी चला के आता था, काफ़ी ऑपरेशन मैंने यहाँ किए जी हाँ, और मुझे इंदौर पसंद भी आता था, मैं खुद ड्राइव करके आता था चला के 2000 की साल में। 3-4 साल आया फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ करना चाहिए, मतलब एक बिजनेस एंगल से नहीं, लेकिन बस यह कुछ करना चाहिए, अच्छी जगह है और हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो बस जगह ढूंढना चालू किया, 2-4 साल में फिक्सअप कर दिया और बना दिया। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सीधी सीधी बात आपसे करना चाहता हूँ कि इंदौर में आप तो कर ही रहे थे घुटनों के, कूल्हों के ऑपरेशन तो आप कर ही रहे थे, लेकिन अब इंदौर के लगभग हर अस्पताल में घुटने बदले जाते हैं, कूल्हे बदले जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इंदौर में
अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और घुटने बदल रहे हैं, कूल्हे बदल रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आपका अस्पताल आ जाएगा, आप आ जाएंगे, आपकी टीम आ जाएगी और किसी व्यक्ति को घुटने बदलवाना है या हिप रिप्लेसमेंट कराना है, तो वाई शाल्वी, वाई विक्रम शाह, दूसरे भी कर रहे हैं और आप कर रहे हो, उसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहली बात तो मैं पहला सवाल जो आपका पूरा नहीं कर पाए वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जोर हॉस्पिटल पे है कि अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए, और अच्छी हॉस्पिटल क्या होती है, तो अच्छी हॉस्पिटल खाली मकान नहीं होता है या इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, एक भव्य बिल्डिंग नहीं है। हाँ, एक तो बिल्डिंग तो चाहिए, जो ऑपरेशन थिएटर उसके हिसाब से चाहिए या तो कंसल्टिंग रूम उसके हिसाब से चाहिए, वो तो कोई भी पैसे वाला आदमी बना सकता है। उसके जो इक्विपमेंट लगते हैं उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा इक्विपमेंट सही है, कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा पेशेंट के लिए सही है, और सबसे बड़ी बात है स्टाफ एंड स्टाफ ट्रेनिंग, पैरामेडिकल स्टाफ। मतलब आप देखो कि अमेरिका ने पैटर्न टैंक दी थी पाकिस्तान को, वो सबसे बड़ी सबसे बढ़िया टैंक थी दुनिया की, फिर भी और वो हार का कारण बनी, पाकिस्तान का कारण बनी, बिकॉज वो चलाने वाले गलत लोग थे, वो चला ही नहीं पाए, मौके पर चला ही नहीं पाए, वो ट्रेंड नहीं थे फुल्ली, तो वो उसमें पैटर्न टैंक थोड़ी खराब होगी। तो बात पूरी ये होती है कि आपका स्टाफ कितना ट्रेन है, ट्रेनिंग पे आप कितना जोर देते हो और कितना इंटरेस्ट लेते हो। आपको इंसान के अंदर का जोर बाहर निकालना पड़ता है। मतलब वो अपने देश में क्या होता है, लार्जली लोग काम पैसे के लिए करते हैं, काम अच्छा लगता है इसलिए नहीं करते, तो वो अंदर से बाहर निकालना पड़ता है हमको कि भाई ये पेशेंट तेरा फादर है, तेरी मदर है, तेरी बहन है, ऐसा अगर तुम सोच सकते हो तभी हॉस्पिटल में काम करने के लायक हो। क्वालिटी पे जोर है, मतलब तभी जाके वो मशीन ठीक से चलाएगा, तभी जाके वो ढंग से बात करेगा, तभी जाके रात को दो बार पल्स पकड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हॉस्पिटल में स्टाफ ट्रेनिंग की है। तो वो एक बात हो गई, दूसरी बात हो गई जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो गई। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि इतने लोग हैं कि हरेक के लिए इनफ प्लेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक आदमी के लिए ही जगह है, मतलब इतने सारे लोग हैं, मतलब एक आदमी तो थोड़ा कर सकने वाला होगा सब, तो सबके लिए जगह है, सबके लिए मरीज है। और दूसरा कि शेल्बी आने से ये होगा कि जितने भी पेशेंट के ऑपरेशन हुए अगर उनको खुश नहीं है तो वो भी आके दिखा सकते हैं, उनका भी रास्ता हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अहमदाबाद का जो हमारा सेंटर है अभी, तो पूरी दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं। मतलब अगर इंग्लैंड या अमेरिका में भी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक से नहीं हुआ है, तो हमारे पास आते हैं, हम खोल के फिर से ठीक करके देते हैं, क्योंकि सर्जरियाँ होती है। तो एक लेवल की कम ट्रेनिंग वाले लोग भी करते हैं, तो रिजल्ट जो होने चाहिए, जो मिलने चाहिए, वो नहीं भी मिलते हैं। मतलब रीसर्जरी भी हो सकती है, रीसर्जरी हो सकती है, सेवरल टाइम्स हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि लंदन से 2 साल पहले एक लेडी आई, उसकी 5 सर्जरी लंदन में हो चुकी थी नी रिप्लेसमेंट की, और उसका ब्यूपा का प्राइवेट इंश्योरेंस था। तो प्राइवेट इंश्योरेंस के तहत इंग्लैंड में NHS में सर्जरी नहीं हुई थी, उनकी सर्जरी हुई थी प्राइवेट में, लंदन में प्राइवेट में सर्जरी हुई। उसके बावजूद 5 बार इन्फेक्शन के कारण खोला, 5 बार नए चीज डाली, अल्टीमेटली 5 बार सर्जरी करने के बाद बोल दिया कि भी आपका टांग काटना पड़ेगा। तब जाके फिर ढूंढना चालू कर दिया दुनिया भर में के कहाँ जाए, तो आके अहमदाबाद अटके। उनको 2 सर्जरी मैंने किया, 3 महीने मेरे यहाँ रखा, उसकी टांग बचा ली, लेकिन उसका हिप जॉइंट, पूरा फीमर, नी जॉइंट, पौना टीबिया बदल के उसकी टांग बचा ली। आज 2 साल से घूम रही है वो। तो ये बड़ी बड़ी बात है, शायद इसीलिए आपको वर्ल्ड क्लास डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन विक्रम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत ये कहा जा रहा है कि अब इंदौर जो है मेडिकल हब बनने जा रहा है, इंदौर में मेडिकल टूरिज्म चालू हो गया है, इंदौर की जो दूसरे अस्पताल है वहाँ विदेशी पेशेंट्स आने लगे हैं, उनका इलाज भी होने लगा है यहाँ पर,
और आप भी इंदौर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इंदौर के लिए गौरव का विषय है और इंदौर का इसमें नाम भी होगा कि डॉक्टर विक्रम शाह का अस्पताल इंदौर में है, इससे हम इनकार नहीं करते, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वर्ल्ड क्लास केवल अस्पताल जैसे कि आप कह रहे हैं कि मशीनों से नहीं होता या बिल्डिंग से नहीं होता, बल्कि उसके काम करने वाले कर्मचारियों से भी होता है, डॉक्टर से भी होता है। तो डॉक्टर विक्रम शाह के तो बहुत सारे अस्पताल हैं, वो इंदौर को कितना समय देंगे? मुझे अपने घुटने का ऑपरेशन क्या इंदौर के डॉक्टरों से करवाना पड़ेगा कि विक्रम शाह की तो तीखी नज़र रहेगी? अगर कोई भी काम में, मैंने लाइफ में ये सीखा है कि तीखी नज़र रखनी पड़े और काम सही होता है तो वो सही बात नहीं है। नज़र रखे बिना सही काम होता है तभी सभी काम होगा, मैं ये मानता हूँ। जो भी डॉक्टर्स यहाँ है वो या तो यूरोप अमेरिका में ट्रेन है या तो ऑर्थोपेडिक के तो सब डॉक्टर मेरे यहाँ ट्रेन है, मतलब तीन तीन पाँच पाँच साल से बच्चे मेरे यहाँ थे, पाँच साल से मेरे साथ काम कर रहे थे, वो डॉक्टर्स अभी यहाँ है। मतलब मैं जहाँ जहाँ भी जाने वाला होता हूँ वो जगह के डॉक्टर्स को मेरे यहाँ ले लेता हूँ तीन साल पहले, पाँच साल पहले, एंड हमारी सिस्टम, प्रोसेसेस, टेक्निक, टेक्नोलॉजी सब हम उनको सिखाते हैं। मतलब एक तरह से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर इंदौर में हैं जो आपके वहाँ अहमदाबाद में या गोवा में सीख कर आए हैं और आपके काम को जानते हैं, आपके तरीके को जानते हैं, आपकी टेक्निक को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका इंदौर में आना जाना रहेगा और आप खुद भी करेंगे, आप खुद भी सर्जरी करेंगे? बिल्कुल करता हूँ, आज भी हमने 27 सर्जरी की, आज मैंने सुबह से अभी तक 27 सर्जरी की और फिर आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, आप तो रोज 20 से 22 सर्जरी करते हैं, 600 सर्जरी महीने में की जाती है और 58,000 सर्जरी आप तक कर चुके हैं, बल्कि अब तो इससे आंकड़ा और ज़्यादा हो गया होगा। 58,000 का आंकड़ा तो मुझे पुराना याद है, मैं समझता हूँ अब ये आंकड़ा 60 के पार निकल गया होगा। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास, अब ये वर्ल्ड क्लास जब नाम लग जाता है ना तो चीज़ महंगी भी हो जाती है और मध्यम वर्गीय आदमी, आप तो उस लोअर मिडिल क्लास से आए, आपने खुद ने कहा कि आपके घर में एसी नहीं था और आप अस्पताल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो हमारा जो मध्यम वर्गीय भारतवासी है, मध्यम वर्गीय इंदौर का जो आदमी है और लोअर मिडिल क्लास का आदमी, उसको शेल्बी में क्या सुविधा मिलेगी? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड क्लास होता है ना तो महंगा हो जाता है, वह बात सही नहीं है। वर्ल्ड क्लास तो है और बिल्कुल है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म हिंदुस्तान में चालू करने वाले हम थे, सबसे पहला ब्रिटिश पेशेंट स्कॉटलैंड का हमने ऑपरेट किया था 1998 में, मतलब वो टाइम से मेडिकल टूरिज्म हम कर रहे हैं। मतलब मेरे यहाँ दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और इंदौर में भी आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का टाइम जा रहेगा वहाँ नहीं, वो नहीं, मतलब मध्य प्रदेश का एक आकर्षण है विशेष टाइगर्स, तो उसकी वजह से वो प्रदेश में अट्रैक्शन रहता है कि भी चलो सर्जरी कराएंगे और टाइगर्स देखेंगे और वापस आएंगे, तो ये एक बात होती है। बाकी बात रही महंगाई की, तो अपने यहाँ सोसाइटी में 10 क्लास है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप अमेरिका में 2 क्लास है, रिच क्लास, वर्किंग क्लास। अपने यहाँ 10 क्लास क्यों है? तो स्टिंकिंगली रिच से लेके रिच, वेरी रिच, रिच, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, देन पुअर, पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन लास्ट। और उसकी पूर्ति क्या है? पूर्ति ये है कि रेलवे में हमारे यहाँ 5 टाइप की ट्रेन चलती है, राजधानी से लेके शताब्दी से लेके एक्सप्रेस मेल से लेके पैसेंजर तक, 5 टाइप की ट्रेन रहती है। आपके यहाँ हर एक ट्रेन में 5 टाइप के क्लास रहते हैं, एसीए, नॉन एसीए, थर्ड, टू टायर, थ्री टायर, मतलब आपको हर टाइप का, मतलब तत्काल से लेके, तो आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो आपको 25 फेयर मिलेंगे आपको यहाँ से बम्बई जाने के। अभी हुआ ये है कि हर एक सर्विसेज को आपको प्लेस करना पड़ता है कि आप, क्योंकि आप हर 10 क्लास को सर्विस नहीं दे सकते, आप या तो नीचे के 4 क्लास को दो, बीच वाले 4 क्लास को दो, अपर 4 क्लास को दो,
हमने क्या किया है कि ऊपर के क्लास को तो दे ही रहे हैं, बट जो लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत बड़ा क्लास है। सी, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको तो खाने का प्रॉब्लम है, तो वो तो घुटने के लिए आने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसको घुटना दुखता ही नहीं है, पेट में दुखता है। दूसरी बार का खाना नहीं मिलता है, घुटने का बात नहीं करने वाला है, सही है ना? तो जो लोअर मिडिल क्लास है तो उसके लिए हमने इकोनॉमी के पैकेज बहुत ही अच्छे रखे हैं। और बहुत सीधा सवाल करूंगी, हाँ, सस्ते सस्ते में आप घुटना कितने में बदल दोगे और महंगे से महंगा में कितने में बदलेंगे? हमारे यहाँ सस्ते में 1.5 लाख में होता है, महंगे में फिर मेगा जॉइंट भी आता है तो 3-4 लाख भी होता है, बट 1.5 लाख में होता है। और केवल घुटना और कूल्हा ही बदलते हैं या स्पेशलिटी आपका? शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है, एल्बो रिप्लेसमेंट होता है, एंकल रिप्लेसमेंट होता है, और बाकी डिस्क रिप्लेसमेंट। बीमारियां आपकी है, ये तो आप ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियां बता रहे हैं, इसका स्पेशलिस्ट है, लेकिन क्या कैंसर का इलाज भी होगा, क्या टीबी का इलाज भी होगा, क्या सुपर मल्टी स्पेशलिटी वाला मामला है? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कैथ लैब है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, नहीं चालू हो गए हैं अभी, और कैंसर के रेडियोथेरेपी का वी हैव द बेस्ट मशीन इन एंटायर मध्य प्रदेश, तो लाइनेक मशीन लग जाएगा अभी 15 दिन में चालू हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 1 साल के अंदर अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह चालू हो जाएगा। तो ये एक ऐसा अस्पताल रहेगा जिसमें एक छत के नीचे सारी बीमारियों का इलाज संभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपसे सवाल करना चाहता था कि आप जिस विषय के एक्सपर्ट हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के, अक्सर ये कहा जाता है या धारणा है कि साहब ये घुटने वगैरह बदलने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, पेशेंट कोई बहुत चल नहीं पाता, कोई दर्द से बहुत ज़्यादा मुक्ति नहीं मिलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हमने उनको रोबोट की तरह चलते हुए देखा है। और उस वक्त जिस डॉक्टर ने अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने बदले थे वो इंदौर के डॉक्टर थे और दुनिया में उनका बहुत नाम था, अमेरिका में उनका बहुत नाम था, लेकिन बावजूद इसके वो ऑपरेशन मैं नहीं समझता कि सक्सेस रहा है, क्या वजह रही होगी? देखो, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान का जो चलना है वो खाली घुटने की वजह से नहीं अटकता है, काफ़ी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, पार्किंसोनिज्म है, न्यूरोपथीज है, स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस है, वो सब रीजंस है कि जिसकी वजह से इंसान का चलना मुश्किल होता है। घुटने बदलने से घुटना ठीक होता है, अगर दूसरे प्रॉब्लम आगे चल के होते हैं तो वजन ही बढ़ गया आपका, तो आपको वजन से ज़्यादा वो न्यूरोलॉजिकल पार्किंसन हो गया, तो मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अभी उसमें फिर घुटना तो ठीक हो गया है, लेकिन घुटना ठीक हो जाने से दूसरे रोग अपने आप ठीक नहीं होते अगर है तो, और अगर दूसरे रोग है तो वो पहले चेक भी कर लेना चाहिए कि भाई ये है, तो पेशेंट को पहले से बता दे कि भाई आपको रिजल्ट इतना मिलेगा। नहीं, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोग घुटने बदलवाते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि साहब सूजन बनी रहती है, दर्द बना रहता है, और चाल भी ऐसी कोई बहुत चाल में भी कोई बहुत फर्क नहीं आता, क्या सच है कि मिथक है? नहीं, ये सच नहीं है, मैं क्यों बताऊं आपको। पहली बात तो ये है कि मेरे पेशेंट 5 किलोमीटर चलते हैं, समेत शिखर जी या पाली ताना जी भी चढ़ जाते हैं, मतलब प्रदेश भी घूमने जाते हैं, मतलब दे एंजॉय देयर लाइफ, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के भी जाते हैं। हाँ, पहला महीना 2 महीना उनको प्लस माइनस रहता है, क्योंकि जब रिकवरिंग फेज में पेशेंट होता है तो थोड़ी बहुत कंप्लेन रहती है, बट 2-4 महीने के बाद अगर कंप्लेन है तो उनको डॉक्टर को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि कोई तकलीफ और हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने तो विदेश को भी देखा है, भारत को भी देखा है, आज भी एक सपना हमको लगता है, मैं वर्ल्ड क्लास डॉक्टर नरेश त्रिहार आपके मित्र हैं, वो भी यहाँ आए थे और मैंने उनसे भी ये सवाल किया था, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ कि आज भी जो आम आदमी है, छोटा आदमी, आपने कह दिया कि जिसके पेट में दर्द होता है गरीब आदमी को उसका घुटना नहीं दुखेगा, लेकिन इस देश में आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे आम आदमी को, हमारे गरीब आदमी को, वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए,
नॉर्मल दवाइयाँ नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी क्यों नहीं दे पा रहा है? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा मेरा है कि आप जैसे बड़े डॉक्टर्स जिनका 300 करोड़ का टर्नओवर है, दुनिया भर के अस्पताल वर्ल्ड क्लास अस्पताल आप लोग डाल रहे हो, क्या आप लोगों की ये मॉरल ड्यूटीज़ नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश के गरीब आदमी के लिए भी आप सोचें और उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं? आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नज़दीकी हैं, अमित शाह के भी नज़दीकी हैं, मुझे पता है आपके बारे में, आप कहें ना कहें, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इन लोगों को सलाह देना चाहिए, मोदी जी को, अमित शाह को, कुछ देश के आम आदमी के बारे में? उसको देखो, अच्छा ऐसा है कि मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स से गरीबी नहीं जाएगी। गरीबी, गरीब आदमी काफ़ी हद तक गरीब रहता है क्योंकि वो गरीब रहना चाहता है, ऐसा मैंने देखा है। मैंने कई छोटे लोगों को बोला है कि आप काम पे आ जाओ, आपको यहाँ काम पे लगाते हैं, वहाँ काम पे लगाते हैं, नहीं लगना होता है। अगर 6 घंटे काम करके थोड़ा पैसा मिलता है तो 10 घंटे काम नहीं करना है, ऐसा काफ़ी हद तक मैंने देखा है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ दो चीज़ हमने की है जो कि एक संस्था के नाते हम क्या करते हैं, तो हमने शेल्बी एकेडमी चालू किया है। मैं गरीबों को दान करने में नहीं मानता हूँ, मैं उनको सक्षम बनाने में मानता हूँ। मतलब मैं किसी को हाथ में पैसा नहीं देता, उसको मैं सक्षम बनाता हूँ। मतलब शेल्बी एकेडमी में हर एक लेवल के लोगों को लेता हूँ और वो हर एक लेवल के लोग को हम टेक्नीशियन में ट्रेन करते हैं, अलग अलग चीज़ में हम ट्रेन करते हैं, किसी को नर्स बनाते हैं, किसी को कंपाउंडर मतलब बनाते हैं, अलग अलग लेवल पे। मतलब वो फिर 4-5 हज़ार वाला आदमी 12-15 हज़ार वाला बन जाता है और मजदूर का स्किल्ड बन जाता है। तो वो जो मोदी साहब का भी विजन है, सपना है, और मैं भी ये मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है, एंड हमारा जो 2% ऑफ प्रॉफिट CSR में जाना चाहिए एज पर सेबी लॉ, तो हम शेल्बी एकेडमी में डालते हैं कि वी वॉन्ट टू डेवलप स्किल, एंड ये हमने हमारी हर एक हॉस्पिटल में चालू कर दिया है। जबलपुर में शेल्बी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी को बढ़िया इलाज उपलब्ध हो, नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि जितने सक्षम लोग हैं ना वो सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मेरे जैसे, आपके जैसे, दूसरे। मतलब खाली सरकार का काम नहीं है ये, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार का काम नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल तौर से मैं क्या करता हूँ, पर्सनल तौर से, कि भाई मैं अच्छा काम करता हूँ, कमा लेता हूँ, साल में 1 करोड़ रुपया मेरे फादर के ट्रस्ट में डोनेट करता हूँ, और ये जो 1.5 लाख रुपया वाला है पैकेज या 1.25 लाख का हार्ट का पैकेज, हमारे यहाँ से, हमारी चौकट से कोई मरीज़ वापस नहीं जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। हम ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि फिर लाइन लग जाती है, बट जो भी आता है बोलता है हमारे पास इतना पैसा है, 130 है, 120 है, एडमिट कर देते हैं, ट्रस्ट में से मैं जोड़ देता हूँ। तो ऐसा काम हम चुपचाप बहुत करते हैं। जो भी शेल्बी पहुँचेगा उसका इलाज होगा, इस बात की गारंटी तो वापस नहीं है। मतलब हमारी चौकट से दुखी होकर कोई नहीं निकलता है, ये एक बड़ी बात है। और डॉक्टर विक्रम शाह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि शेल्बी के अस्पताल में जो भी जाएगा उसका इलाज होगा, पैसा हो ना हो एक अलग बात है, जो वो दे सकता है वो दे, बाकी डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि उसके ट्रस्ट के माध्यम से वो करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सरकार के तौर पर भी एक पॉलिसी बनना चाहिए, हेल्थ पॉलिसी बनना चाहिए, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन है, WHO की बहुत सारी नॉर्म्स हैं, लेकिन अगर ऐसा एक हेल्थ मिशन सरकार के तौर पर बने कि बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इंडिया में हैं, आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मदद करने को तैयार है, अमेरिका में से कई डॉक्टरों ने हमारे इंदौर के जो सरकारी अस्पताल है MY अस्पताल, उसको करोड़ों रुपए की दान दी है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, क्या वजह है उसकी? मैं थोड़ा डिफर ये तरीके से होऊंगा कि जो हाल 1990 में थे उससे बेहतर 2000 में थे, और 2000 से 2015 में मैं देख रहा हूँ कि अभी पोलियो भी निकल गया है, अभी देश, हमारे देश में पोलियो नहीं हो रहा है। मतलब काफ़ी हद तक प्रजा भी सजग हुई है, काफ़ी हद तक सरकारी तंत्र भी काम करने लगा है, और
ये जरूरी है कि मीडिया उनको बताती रहे कि भाई ये नहीं ठीक हो रहा है, ये नहीं ठीक हो रहा है, बट मुझे पूछो तो सुधरा तो है, काफ़ी हद तक सुधरा है, काफ़ी हद तक सरकारी हॉस्पिटलों में आज से 10-15 साल पहले जो ट्रीटमेंट मिलती थी उससे तो अच्छी मिलती ही है। ये आपका आपका जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इंदौर में, ये फॉर्मली औपचारिक रूप से कब से शुरू हो जाएगा और इसको कब से? औपचारिक रूप से ये 30 तारीख को शुरू करने का प्लान है, 30 सितंबर। हाँ जी, हाँ जी। और अभी अनौपचारिक रूप से क्या इलाज वहाँ शुरू हो गया? ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई, हम कैंप वगैरह करते हैं, पेशेंटों को हेल्प करते हैं। आपका स्टाफ वगैरह सब तैयार है? स्टाफ तैयार है, डॉक्टर्स भी रिक्रूट होने लगे हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आप कितने दिन रहेंगे? मैं महीने में 2 दिन आऊँगा। 2 दिन आप रहेंगे? बिल्कुल। और अगर इस दौरान कोई सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है, ये रहता है, तो आपके कोई एक्सपर्ट्स? नहीं नहीं, एक्सपर्ट्स तो मेरे साथ आते ही है, हम लोग हमारा प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेके आते हैं, तो हम 8 लोग साथ में ट्रैवल करते हैं और साथ में वापस जाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं 1-2 को छोड़ के भी जा सकता हूँ। और या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आप वहाँ से, कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाए तो आप? अवर ऑल हॉस्पिटल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय टेलीमेडिसिन, तो वो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो अहमदाबाद में बैठे हैं तो वो तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं फॉर एनी हॉस्पिटल, जबलपुर के लिए या वापी के लिए या गोवा के लिए। क्या ये दावा भी आप करेंगे कि जो इंदौर में दूसरे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं उनकी तुलना में आपका इलाज न केवल बेहतर होगा बल्कि सस्ता भी होगा? मैं कोई प्रकार का दावा करने में बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैंने दूसरों को देखा नहीं है तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ आने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि ऐसा कभी नहीं देखा पहले। बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर विक्रम शाह साहब को, जो ये कह रहे हैं कि वो किसी किस्म के दावे में विश्वास नहीं रखते, करने में विश्वास रखते हैं। जवानी जमा खर्च करने में उनका यकीन नहीं है, करके दिखाने में उनका विश्वास है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जब भी कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो वर्ल्ड क्लास करेंगे, और जो मरीज़ है उसको ये अनुभव होगा कि वास्तव में जैसा काम शेल्बी में हो रहा है वैसा और कहीं होता नहीं है। और डॉक्टर शाह को मैं इस बात के लिए बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि शेल्बी की चौखट से कोई बिना इलाज किए नहीं लौटेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा एसआर मध्य प्रदेश, खबरें का सिलसिला जारी रहेगा।